आज हम बनाना सीखेंगे अफगानी पलाजो। अफगानी सलवार भी इसे बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में चल रही है। दिखने में काफी खूबसूरत लगती है, पहनने में भी ज्यादा कंफर्टेबल है और 10 मिनट में बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पर मैंने कॉटन कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। कॉटन कपड़े में बना अफगानी पलाजो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि कॉटन कपड़ा स्टिफ रहता है। देखिए, ये कपड़े की चौड़ाई है 40 इंच और ये लंबाई है 2.25 मीटर। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो हमारा फोल्ड कुछ इस तरह से बनेगा। ये 4 फोल्ड बन गया है। इस साइड में ये पूरे खुले लेयर्स हैं, नीचे की तरफ ये डबल फोल्ड रहेगा और इस साइड में ये पूरा फोल्ड रहेगा। अब हम इसके ऊपर नाप डालेंगे, लेकिन उसके पहले ऊपर की तरफ कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे है, तो उसको सही से काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक जो है वो 1 इंच चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर 2 इंच मार्जिन छोड़ा है। आपके इलास्टिक के चौड़ाई अनुसार आपको मार्जिन छोड़ना है। अब इसी लाइन से हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। जैसे कि मेरी लंबाई है 40 इंच, उसमें से 1 इंच नीचे की तरफ मेरी मोरी की पट्टी लगेगी अलग से, तो वो मैं कम कर दूंगी, तो हो गया 39 इंच। और 39 इंच में आधा इंच मार्जिन लिया है, क्योंकि मोरी की पट्टी जोड़नी है। तो 39.5 इंच पर मैंने मार्किंग करके लाइन बना दी और बस वहीं से मैं कटिंग कर दूंगी कपड़े का। और ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे। तो पूरी लंबाई हमें मिल गई। अब हम यहाँ फोल्ड वाली साइड से नाप डालेंगे। तो जैसे कि हमारा हिप साइज है 40 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 12.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब यहां से यहाँ 12.5 इंच है, तो यहाँ पर आसन की लंबाई भी 12.5 इंच ही लेंगे। दोनों नाप हमारे सेम रहेंगे। तो बस आपको हिप का नाप मालूम होना चाहिए, हिप का चौथा अधिक 2.5 इंच। अब यहां से मैं 2.5 इंच लूंगी। तो जैसे कि 30 से 36 इंच तक आपका हिप साइज है तो 2 इंच रखे, 37 से 44 इंच तक 2.5 इंच रखे, और 44 इंच के आगे जितना भी हिप साइज है उनके लिए 3 इंच रखें। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया। अब यहां से हम 1.5 इंच लेंगे। सभी साइजेस में लोगे तो भी चलेगा, बस स्मॉल साइज के लिए आप 1 इंच तिरछा लेके गोलाई दे। अब देखिए, यहां से ये पूरा यहां तक मेरा आता है 15 इंच। तो मैं बॉटम भी यानी मोरी की तरफ भी 15 इंच रखूंगी। अगर आपको वो ज्यादा लगता है तो आप 1/2 इंच कम भी रख सकते हो। जैसे कि ऊपर की तरफ 15 इंच है तो नीचे की तरफ आप 14 इंच भी रख सकते हो। अब यहां से मैं सीधा लाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये सीधा नाप है। अब देखिए, यहां से ये जितना है उतना ही रखा है। जैसे मैंने कहा, आप 1 इंच कम भी रख सकते हो और यहां से तिरछी लाइन भी बना सकते हो, वो भी चलेगा। अब यहां से मैं कट कर दूंगी, जैसा मार्किंग है वैसा कट करना है। यहां पर फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे रहेंगे। अब ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है। इस कपड़े में से हम बॉटम की पट्टी यानी मोरी की पट्टियां निकालेंगे। तो ये 2 लेयर्स मैंने रख दिए हैं, इसको डबल फोल्ड किया इस तरह से। अब ये 4 फोल्ड हो गया। अब देखिए, बॉटम जो है मेरा तैयार 12 इंच का है, पूरा बॉटम राउंड। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लगेगा, तो 14 इंच की मैं पट्टियां काटूंगी। तो इस तरह से ये 14 इंच रखा और चौड़ाई में ये रखा है 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है जो तैयार होके 1 इंच की हमारी बनेगी। अब ये पट्टियां बन गई है जो हमारे बॉटम यानी मोरी में लगेगी। तो ये लगानी कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, तब तक मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब सबसे पहले हम इसको खोल देंगे। तो यहां से मैंने इसको खोल दिया है, एक लेफ्ट साइड का है और एक राइट साइड का है, ये 2 लेग्स के पार्ट है। तो यहां पर मैंने इस तरफ घुमाया। अब जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारा आसन यानी क्रॉच का एरिया है। तो बस यहां से यहां सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। सिंपली हमें इस तरह से जोड़ना है इसको। अब मैं इसको यहाँ पर सेंटर में पकड़ूंगी और इस तरह से रख दूंगी। तो इस तरह से रखने से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बना है। तो इसको पहले मैं ठीक से यहाँ पर रख दूंगी। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन। तो ये बस लाइन मैंने यहाँ पर बना दी। अब ये जो लाइन है, बस इसी के ऊपर हमें इस तरह से फोल्ड करके लेना है। तो लाइन बनाने से हमें एक जैसा फोल्ड मिलता है।
अब देखिए यहाँ पर ये जो पट्टी है इसे मैं पहले इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिर यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। मशीन के ऊपर आ गए हैं। अब इस पट्टी को मैं आधा से पौना इंच अंदर की तरफ मोड़ दूंगी, तैयार 1.25 की रहेगी क्योंकि इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है तो पट्टी 1.25 रहनी चाहिए, तभी जाके इलास्टिक अंदर से आ जाएगा। अब बस पूरे राउंड में मैं इसको सिल दूंगी। ये नेफा हम बनाएंगे इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। इलास्टिक लगाने के और भी 2 तरीके मैंने बताए हैं, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पर पट्टी पूरे राउंड में सिल दी है, लेकिन इलास्टिक के लिए मैंने 3 से 4 इंच छोड़ा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम इलास्टिक बाद में डालेंगे, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम बॉटम रेडी करेंगे यानी मोरी तैयार करेंगे। जैसे कि ये 2 लेग्स के पार्ट है यानी 2 पैर के 2 पार्ट, उसमें से एक के ऊपर मैं मोरी बनाना बता दूंगी, सेम तरीके से दूसरे पैर के ऊपर भी बनेगी। अब देखिए ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड नीचे की तरफ, तो पहले मैं इसको सेंटर में फोल्ड करके एक सेंटर नॉच लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर सेंटर मार्क बहुत जरूरी है। सेंटर नॉच लगाने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स प्लेट लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें एक बॉक्स प्लेट बनानी है, जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी आप बॉक्स प्लेट बना सकते हो। उसके ऊपर मैं पिन लगा दूंगी और पिन से ये सेट हो जाएगी। आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर भी प्लेट्स लगा सकते हो। बॉक्स प्लेट के इस वाले साइड में, मतलब आप पहले देख सकते हो ये बॉक्स प्लेट इस तरह से है, इस वाली साइड में इस तरह की नाइफ प्लेट्स बनेंगी, तो जो प्लेट्स का रुख है वो बाहर की तरफ है जैसे आप देख पा रहे हो। तो बस इसी तरीके से 4 से 5 प्लेट्स आपको बनानी है, जैसे कि आप मोरी का राउंड का नाप देखते हुए भी प्लेट्स बना सकते हो, किसी की 4 आएगी किसी की 5 आएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बस इस तरह से आपको नाइफ प्लेट्स बनानी है और जो भी प्लेट्स बनती है उनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर मेरी लगभग 5 प्लेट्स बनी है, आप पहले देख लीजिएगा 5 बनती है 6 बनती है, उसी के अनुसार पिंस लगा कर ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरी लगभग 5 बनी है और मैंने यहाँ पर पिंस लगाकर ले ली है। एक साइड की प्लेट्स तो हमारी बन गई, अब दूसरी साइड की प्लेट्स हम बनाएंगे। तो जैसे आपने देखा इस साइड की प्लेट्स का जो फेस है वो इस तरफ रहेगा, ठीक है, तो बीच में बॉक्स प्लेट रहेगी और दोनों साइड में हमारे नाइफ प्लेट्स बनेगी। तो इस साइड में भी सेम उतनी ही प्लेट्स आनी चाहिए जितनी दूसरी साइड में आई है। तो यहाँ पर भी मेरी लगभग 5 प्लेट्स बनी है और सभी को मैं पिंच लगा के लूंगी। आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर भी स्टिच कर सकते हो। तो ये मोरी हमारी पूरी प्लेट्स बनकर रेडी है। जैसे आप देख सकते हो ये बॉक्स प्लेट्स के इस साइड वाली साइड का जो प्लेट्स है वो इस तरफ है और इस वाली साइड के जो प्लेट्स है वो इस तरफ है। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत सुंदर डिजाइन बनकर तैयार होता है। प्लेट्स बनने के बाद एक बार आप नाप के देखिएगा, मुझे ये 14 इंच चाहिए था तो ये 14 इंच ही है, अगर ये कम रहता तो मैं एक आध प्लेट निकाल लेती। अब ये बॉटम पट्टियां जो हमने कट करके रखी थी साइड में वो मैंने ले ली है, फिर से एक बार दिखाती हूँ। इनकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई में ये 3.5 इंच है। तो ये जो पट्टियां है इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगाऊंगी। तो इसके अंदर मैं कैनवास नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो कैनवास डाल सकते हो। सबसे पहले हम जो प्लेट्स हमने बनाई है उनको पक्का करने के लिए एक सिलाई लगा कर लेते हैं। तो जो पिंस लगाई है वो पिंस को निकालते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ और फिर उसके बाद हमने जो बॉटम पट्टियां कट करके रखी है वो हम इसमें लगा देंगे। तो ये पूरी सिलाई हो चुकी है। ये बॉटम पट्टी मैंने डबल काटी थी क्योंकि मैं इसको डबल लगाऊंगी ताकि बॉटम में यानी मोरी में मुझे कैनवास डालने की जरूरत ना पड़े, आप चाहो तो कैनवास पे डाल सकते हो। तो मैंने इसको नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद मैं इसको पलट कर इस तरह से सीधी साइड में, यहाँ ऊपर की तरफ हमारी सीधी साइड है, तो इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करके लगा दूंगी। ये अच्छे से स्टिफ यानी कड़क बन जाएगी और इसकी चौड़ाई 1 इंच रहेगी। अब यहाँ पर मैं ये समोसा लेस लगा रही हूँ, इसको थोड़ा सा डिजाइनर बनाएंगे, पार्टीवेयर लुक देंगे। आप चाहो तो सिंपली इसको वैसे भी जोड़ सकते हैं।
तो समोसा लेस को अंदर डालते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, जो कि हमारी ये सीधी साइड है। अब ये सिलाई लगने के बाद इस मोरी के बीच बीच में हम सिलाइयाँ लगा के इसको फील कर देंगे। तो बस मैं सिंपली सीधी सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आप चाहो तो डिजाइन भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है बॉटम की यानी मोरी की, तो उसके ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ आ जाएगी। तो दोनों बॉटम्स यानी दोनों मोरी मैंने रेडी करके लिए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये बीच की बॉक्स फिट है और ये साइड की नाइट प्लेट्स बनी है। सेम तरीके से मैंने दूसरी मोरी भी तैयार की है, दूसरे पैर की, सेम तरीके से। अब हम इसके इनर लेग्स की सिलाई लगाएंगे। दोनों मोरी तैयार है, अब इसकी इनर लेग्स की सिलाई लगेगी। मतलब इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देना है। तो ये मैंने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। और अब इसके अंदर की सिलाई लगेगी, मतलब यहां से होते हुए नीचे तक जाएंगे। बस ये इनर लेग्स की सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि मुझे ये 6 इंच चौड़ा चाहिए, मतलब 12 इंच का था और 1 इंच का सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 6 इंच पर मार्किंग करके सिलाई को शुरू किया है। ऊपर जाते जाते इस सिलाई की चौड़ाई हम कम करेंगे, और जैसे ही आसन की तरफ आते हैं तो ये लगभग 1/4 इंच से आधा इंच होनी चाहिए। और फिर से नीचे जाते जाते इसको सिलाई मार्जिन को आप बढ़ा सकते हो। तो नीचे की तरफ आते आते ये सिलाई मार्जिन 1 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा बाद में। तो ये हो गई इनर लेग्स की सिलाई। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाएंगे। तो सिलाई तो हमारी हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इलास्टिक डालना बाकी है, जो कि हमने नेफा रेडी करके रखा था। तो इलास्टिक के लिए आपको कमर का नाप लेना है। जैसे कि मेरी कमर है 30 इंच, उससे 4 इंच कम इलास्टिक लिया है, 26 इंच। तो इलास्टिक कितना लेना है यह भी मैंने आपको इलास्टिक जोड़ने के तरीके में बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को अंदर डाल दिया है और ये सेफ्टी पिन को मैं निकाल दूंगी। अब इलास्टिक को यहाँ पर मैं एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। तो बस आगे पीछे करके इसको पक्का करना है। पक्का करने के बाद इलास्टिक को अंदर डालेंगे और उसके ऊपर उस नेफा पट्टी को ओढ़कर यहाँ बंद कर देंगे, जो हमने खुला छोड़ा था। बंद करने के बाद इसे 5 से 6 बार इस तरह से आप खींच लो, ताकि चारों ओर इक्वल गैदर्स बन जाए। अब इसके बीच में यानी सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम पूरा खींच कर प्लेन करना है कपड़ा, और फिर बीच की सिलाई लगानी है। देखते देखते हमारा ये अफगानी प्लाजो बन गया है। आप इसको अफगानी सलवार भी बोल सकते हो। तो ये बन गया है, काफी सुंदर लगता है और आजकल बहुत ज्यादा फैशन में भी है। लॉन्ग कुर्ती के ऊपर ये बहुत बहुत सुंदर लगता है। जैसे आप देख सकते हो, काफी कंफर्टेबल भी रहता है और ज्यादा फैशन में भी है। तो जरूर ट्राई करना। और आज के इस ट्यूटोरियल में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।